नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कोलिजन। अ मास m1 ऑफ 100 kg ट्रेवलिंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग अ लाइन कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी मास m2 ऑफ 1000 kg। आफ्टर द कोलिजन बोथ द मासेस ट्रेवल टुगेदर विद द सेम वेलोसिटी। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज। दोस्तों, आपने देखा होगा, मान लो जो गीली मिट्टी होती है उसको अगर फेंक के मार, मिट्टी जाके फेंक के मारे तो गीली मिट्टी उस पर चिपक जाएगी और गाड़ी चलने लगेगी। कुछ वैसा ही यहाँ पे है दोस्तों। 100 kg का यह है दोस्तों एक मास है, और इसको 5 मीटर पर सेकंड से जब फेंक के मारते हैं 1000 kg वाले पे, 1000 kg वाला रुका हुआ है मास, तो दोस्तों फिर ये दोनों मास चल देते हैं आपस में चिपक करके। तो इसका बात का मास हो गया, 1000 में 100 जोड़ देंगे, 1100 किलो। ये साथ में कोई भी वेलोसिटी से चल देते हैं दोस्तों। तो ये कोलिजन में दोस्तों मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। मोमेंटम इज कंजर्व, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, मगर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। यानी m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। m2 ये v2 जीरो था दोस्तों, क्योंकि वो रुका हुआ था। यानी कि आपका 100 × 5 बराबर आ गया 1100 × v। तो यहाँ से v आ गया, बाद में जो वेलोसिटी होगी 5/11 मीटर पर सेकेंड। मगर हमसे पूछ रहा है कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है दोस्तों? आफ्टर वेलोसिटीज डिफरेंस, यानी कोलिजन के बाद की जो वेलोसिटी हो जाएगी उसका डिफरेंस अपॉन अर्लियर वेलोसिटी डिफरेंस, यानी कोलिजन के पहले जो वेलोसिटी थी उन वेलोसिटियों में डिफरेंस दोनों मास के। यहाँ पे दोस्तों बाद की वेलोसिटी तो दोनों की वी हो गई, तो ऊपर वी माइनस वी, और नीचे पहले वेलोसिटी v1 थी और v2 तो जीरो था, रुका हुआ था मास 1000 किलो वाला। तो यहाँ से दोस्तों ई आ गया जीरो। ई जीरो का मतलब है दोस्तों परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन, परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन। और वहीं अगर ई की वैल्यू 1 आती उसका मतलब होता है दोस्तों परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी दोस्तों कंजर्व हो जाती है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। धन्यवाद दोस्तों।